हमने एक ऐसे अनोखे ग्रह की खोज की है जहां कठोर मौसम है, जहां अनजान नजारे हैं और जहां हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। यह ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और यह ग्रह है हमारी धरती। हमने इसके रहस्यों को समझना बस शुरू ही किया है। जब धरती बनी यहां पर हालात नरक जैसे थे। अगर बीते समय में जाना मुमकिन होता तो 4.5 अरब पुरानी धरती पर हम बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते। वो कौन सी भाग्यशाली घटनाएं थीं जिन्होंने धरती को उसका मौजूदा स्वरूप दिया? अगर डायनासोर्स का खात्मा नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आखिर मानव जाति का भविष्य क्या है? ये तो निश्चित है कि भविष्य में बड़े पैमाने पर लुप्त होने की घटना होगी, जैसा कि अतीत में भी हो चुका है। तो आखिर में धरती का क्या होगा? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आखिर में धरती घूमते घूमते खौलते हुए सूरज से जा टकराएगी और उसमें समा जाएगी। आज देखेंगे पृथ्वी की रचना और उसकी तबाही। सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ में पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि कभी यह ग्रह अस्तित्व में नहीं था और भविष्य में किसी दिन यह अस्तित्व में नहीं रहेगा। ग्रह भी जन्म और मृत्यु से परे नहीं है। तो धरती कैसे खत्म होगी और कैसे उसके असाधारण जन्म के कारण उसने इतने अनोखे ग्रह की शक्ल ली जहां पर जीवन के पनपने के सही हालात बन पाए? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे हालात का बनना जरूरी नहीं था। खुशकिस्मती से ऐसी कम से कम 6 जबरदस्त घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने धरती को एक फलते फूलते ग्रह में बदल दिया। धरती के वर्तमान रूप के पीछे कुछ खास कुदरती तंत्र हैं और कुछ जबरदस्त घटनाएं हैं। अगर वो सब उस सिलसिले में नहीं होता जैसा हुआ तो धरती का रूप बहुत अलग होता, आज जैसा बिल्कुल नहीं होता। एक खास बात है जो सिर्फ पृथ्वी में है। यह सौर मंडल का वो इकलौता ग्रह है जहां जटिल जीवन के पनपने के लिए सही तापमान है। पर यह कैसे मुमकिन हुआ और हम इस सही स्थान पर कैसे पहुंचे? ये सिलसिला करीब 5 अरब साल पहले शुरू हुआ जब गैस और धूल को ग्रेविटी ने एकजुट किया। ये इंटरस्टेलर गैस और धूल बादल की शक्ल में थी। इस बादल का ज्यादातर अंश बीच में जाकर जमा हो गया जिससे तारे की बनावट हुई जिसने बाद में सूरज की शक्ल ली। इस नवजात सूरज ने बादल में मौजूद 99.9% गैस और धूल को अपने भीतर समेट लिया और जो गैस और धूल बची उसने सपाट होकर एक डिस्क का रूप ले लिया। धूल और चट्टानों की घूमने वाली इस बनावट को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। हो सकता है शुरुआत में घूमने की प्रक्रिया धीमी रही हो, पर जैसे जैसे इस डिस्क का घनापन बढ़ता गया तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसकी रफ्तार भी बढ़ती गई। लगातार चक्कर लगाने की वजह से ये डिस्क समतल होने लगी और फिर आखिर में सभी ग्रह लगभग एक ही सतह पर चक्कर लगाने लगे। इसे पिज्जा बेस की तरह समझ सकते हैं, जिसे बनाते वक्त घुमाया जा रहा हो, जिस एक्सिस पर वो घूमता है वहाँ वो दबने लगता है और डिस्क का रूप ले लेता है। हमारे सौर मंडल में सूरज के चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह इस सार्वजनिक डिस्क में रहकर करते हैं और ये हमारे सौर मंडल का प्लेन है। उनमें से ग्रह एक बहुत ही विशेष क्षेत्र में जन्म लेता है और वो ग्रह है हमारी धरती। और उसके इस क्षेत्र में जन्म लेने की घटना उन 6 भाग्यशाली घटनाओं में से पहली वाली है जिनसे भविष्य में ये एक बेहद अनोखा ग्रह बनेगा। धरती सूरज से बिल्कुल सही फासले पर थी जिससे पानी अपने तरल रूप में रह सका। ये बहुत ही अहम बात है। धरती समंदर से ढकी हुई है, इस तरल पानी की वजह से ही यहाँ जीवन संभव हो पाया। जिस क्षेत्र में धरती का जन्म हुआ उसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है।
इस क्षेत्र में होने के कारण धरती ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडी, जैसा कि गोल्डी लॉक्स और तीन भालों वाली कहानी में है। धरती पर सही तापमान होने की वजह से ही पानी तरल रूप में रह पाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म संभव हो पाता है। वीनस रहने लायक क्षेत्र के भीतरी किनारे पर है, पर वहाँ सूरज का प्रकाश इतना तेज है कि और इस वजह से मार्स जम गया, जबकि वीनस के साथ उलट हुआ। वो गर्म हो गया पर धरती का तापमान सही रहा। ये वो जगह बन गई जहाँ जीवन का पनपना संभव बन सका। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी धरती गोल्डी लॉक्स जोन में है। सौर मंडल को स्केल करते हैं। चलिए ये मानते हैं कि सूरज यहाँ इस गोल लाइन पर है और मेरा ये एक कदम अंतरिक्ष में करीब 16 लाख किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह मर्क्यूरी सूरज से 11 मीटर दूर है, वीनस करीब 20 मीटर दूर, पृथ्वी 28 मीटर और मार्स करीब 43 मीटर दूर है और जुपिटर करीब 146 मीटर की दूरी पर परिक्रमा कर रहा है। ये फासला करीब 1.5 फुटबॉल के मैदान जितना हुआ। सैटर्न करीब 275 मीटर दूर है, करीब 3 फुटबॉल के मैदान जितना, और यूरेनस करीब 550 मीटर दूर है, करीब 6 फुटबॉल मैदान जितना। अगला ग्रह है नेपच्यून, वो करीब 800 मीटर दूर है। गोल्डीलॉक्स जोन करीब 23 मीटर का वो क्षेत्र है जो वीनस और मार्स के बीच है। वो हमारे सौर मंडल का एक बहुत छोटा सा भाग है। पृथ्वी इस भाग के एक तिहाई हिस्से में मौजूद है। इस खास क्षेत्र में होना हमारा सौभाग्य है। पर जीवन को संभव बनाने के लिए किसी ग्रह में एक और चीज बेहद जरूरी है, एक स्थिर भरोसेमंद वातावरण। पर किसी ग्रह में स्थिरता कैसे आती है, ये जानने के लिए हमें करीब 4 अरब साल पहले धरती के अतीत में जाना होगा। तब अंतरिक्ष का एक हमलावर धरती को तबाह करने की फिराक में था। पृथ्वी को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था तब एक बेहद विशालकाय गोलाकार चीज पृथ्वी से टकराई थी। वैज्ञानिक मानते हैं वो मार्स जितनी बड़ी थी। पर वास्तव में ये तबाही ना होकर पृथ्वी पर होने वाली दूसरी भाग्यशाली घटना थी। मार्स के आकार वाली इस गोलाकार चीज के टकराव ने हल्के पदार्थों के बने सतह के टुकड़ों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इन टुकड़ों ने धरती के चारों ओर फैलकर एक विशाल छल्ले का रूप ले लिया। हल्के पदार्थों के बने इस छल्ले से आखिरकार चंद्रमा की बनावट हुई। अगर वो टकराव ना हुआ होता तो आज हम भी ना होते। इस अनोखे ढंग से जन्म लेने के कारण पृथ्वी का चंद्रमा ग्रह के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। फलस्वरूप चंद्रमा की ग्रेविटी इतनी तेज है कि वो धरती को उसकी ऑर्बिट से डगमगाने नहीं देगी। घूमते वक्त धरती का अपनी एक्सेस यानी धुरी पर झुकाव होता है और घूमते वक्त धरती काफी डगमगा सकती थी, पर चंद्रमा की वजह से ऐसा नहीं होता क्योंकि वो स्थिरता प्रदान करता है। यह हमारी मौसम प्रणाली, जलवायु और वातावरण से जुड़े अन्य पहलुओं के लिए बहुत अहम है क्योंकि इन्हीं की वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया। पृथ्वी के झुकाव के कारण ही धरती पर अलग अलग मौसम है। नॉर्थ पोल की दिशा हमेशा पोलारिस की ओर रहती है। गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की ओर होता है और इसी वजह से गर्मियों का मौसम होता है। पर 6 महीने बाद धरती घूमते घूमते सूरज की दूसरी ओर पहुंच जाती है। पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दिशा पोलारिस की तरफ ही रहती है, जबकि इस दौरान उसका झुकाव सूरज से उलट दिशा में होता है और इसी वजह से सर्दियां आ जाती हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा बड़े आकार का है, इससे उसके झुकाव में स्थिरता बनी रहती है। देखा जाए तो फिलहाल मार्स का झुकाव भी करीब करीब पृथ्वी के समान ही है, पर बड़े आकार का चंद्रमा न होने की वजह से उसका झुकाव डगमगाता है और पिछले कई सालों से बदलता रहा है। अगर हमारे पास ऐसा चंद्रमा नहीं होता तो मौसमों में ना नियमितता होती और ना ही स्थिरता, ना ही क्रम से चलने वाले वो सिलसिले बन पाते जिनमें जीवन ने खुद को ढाला है, क्योंकि जीवन को स्थिरता पसंद है। पर करीब 4 अरब साल पहले जब चंद्रमा की बनावट हुए कुछ ही समय हुआ था, तब पृथ्वी बेजान थी और चारों तरफ सिर्फ खौलती पिघलती चट्टानें थीं। पर समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और उसकी सतह ठोस बन गई। पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से वातावरण जहरीला था और जीवन को संभव बनाने वाला एक बुनियादी तत्व अभी भी मौजूद नहीं था, पानी। और अब एक और महाप्रलय धरती को एक बार फिर से तबाह करने वाला था। ग्रहों को देखकर लगता है कि वो जीवन और मृत्यु से परे हैं,
पर वो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं और खत्म होते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले एक विनाशकारी टकराव से पृथ्वी को एक नया जन्म मिला। इस टकराव ने पृथ्वी को तबाह करने की बजाय चंद्रमा की बनावट की। ये बनावट आगे चलकर मौसमों में स्थिरता पैदा करने वाली थी। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पर आखिर धरती को पानी कहां से मिलेगा? धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ साल बाद हमारे ग्रह पर मीटियोर की बौछार सी हो गई। ये मीटियोर सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। करोड़ों साल तक धरती पर कहर लगातार जारी रहा। एस्टेरॉयड और कॉमेट की जबरदस्त बमबारी चलती रही, पर इस जबरदस्त बमबारी के आखिरी दौर ने पृथ्वी पर होने वाली तीसरी भाग्यशाली घटना को मुमकिन बनाया, क्योंकि कॉमेट और एस्टेरॉयड अपने साथ पानी भी लाते हैं। लेट हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड की खासियत ये थी कि उस दौरान धरती पर कुछ मात्रा में पानी पहुंचा, जिसके बिना धरती पर जीवन नहीं पनप सकता था। करोड़ों सालों में युवा धरती पर काफी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे महासागरों और बादलों की बनावट हुई और इस तरह धरती पर मौसमों की शुरुआत हुई। भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण ने धरती के वातावरण को रच दिया था। बेशक ऐसा वातावरण मनुष्य और पशुओं के लिए जहरीला साबित हो सकता था, पर अब धरती में वो सारे तत्व मौजूद थे जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी थे, जैसे कि एक सेल वाला जीव बैक्टीरिया। हमें ये नहीं पता कि जीवन की शुरुआत कहाँ, कब और कैसे हुई, पर हमारा मानना है कि इसकी शुरुआत लगभग 370 से 350 करोड़ साल पहले हुई थी, यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट के ठीक बाद। उस वक्त धरती पर हालात नरक जैसे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, भूकंप और ज्वालामुखी अपना कहर बरसाते थे। इतने मुश्किल हालात में किसी भी जीव का विकसित होना, उसका पनपना कल्पना से परे की बात थी। पर 1991 में वैज्ञानिकों ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के बीचों बीच एक खास तरह के फंगस की खोज की, जो वहां फल फूल रहा था और साथ साथ वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को बतौर खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ये उस खास तरह के फंगस की जीती जागती मिसाल थी, जिसे एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। ये जीव ऐसी जगह पर पनपता है जहां ज्यादातर प्राणियों के लिए रहना घातक होता है। 80 के दशक से वैज्ञानिक ऐसे जीवों की निरंतर खोज कर रहे हैं जो येलोस्टोन नेशनल पार्क के गीजर्स में पनप रहे थे और गहरे समंदर के हाइड्रोथर्मल वेंट में विकसित हो रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जीवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अरबों साल पहले की कठोर परिस्थितियों में धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ। ये जीवन का सिलसिला शायद ज्वालामुखी की सुराखों में शुरू हुआ। हम सभी जीवों के जेनेटिक इतिहास से पृथ्वी के उस दौर को समझ सकते हैं। सभी सुराग इशारा करते हैं ऐसे कई जीव की ओर, जिसे हम कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हमारा वो पूर्वज जीवन का वो रूप है जिसमें से धरती पर रहने वाले अलग अलग जीव विकसित हुए हैं। हमारे उस पूर्वज को गर्मी बहुत पसंद थी, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद जीवन का विकास बेहद गर्म वातावरण में हुआ, जैसे कि किसी ज्वालामुखी के मुंह के पास। ऐसा किसी गहराई वाले तालाब में होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ वातावरण इतना गर्म नहीं होता। पर धरती को आज के शक्ल में आने के लिए ऐसे हालात चाहिए थे जहाँ जटिल जीवन पनप सके, पर उसके लिए धरती के वातावरण में एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत थी। उसके लिए धरती को ऑक्सीजन चाहिए थी, पर वो आएगी कहाँ से? धरती के शुरुआती दौर का वातावरण आज के दौर से बिल्कुल अलग था। अगर बीते समय में जाना मुमकिन होता तो 4.5 अरब साल पुरानी धरती पर हम बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते थे। उस समय धरती का वातावरण बहुत ही अलग था। तब ऑक्सीजन नहीं थी, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड थी और जीवन ने उस वातावरण में खुद को ढाल लिया था। पर फिर कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। बैक्टीरिया का एक प्राचीन रूप विकसित हो गया। उसने सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना सीख लिया। इस अडेप्टेशन के कारण, इस नई काबिलियत की वजह से ये बैक्टीरियम सूरज की रोशनी को लेकर उसे डाइजेस्ट करके ऊर्जा में बदल सकता था।
इस नई प्रक्रिया से गजब का वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होने लगा, ऑक्सीजन। हालांकि बैक्टीरिया की उस खास प्रजाति का हर सदस्य ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा पैदा करता था, पर लंबे अरसे के बाद अरबों बैक्टीरिया ने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से लबालब कर दिया। ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण की ये रचना पृथ्वी को मौजूदा रूप देने वाली चौथी भाग्यशाली घटना थी। इस खास लम्हे के निशान धरती पर चारों ओर दर्ज हैं। हमारे पास ये चट्टान का नमूना है जो लगभग 2.5 अरब साल पुराना है। आप यहाँ नीचे की तरफ देखिए और यहाँ ऊपर की तरफ ये जो चमकदार लाल धारियां नजर आ रही हैं, इन्हें हम बैंडेड आयन फॉर्मेशन कहते हैं। और ये लाल वाला हिस्सा आयन ऑक्साइड है, यानी जंग लगा लोहा। और जंग ऐसे युग में लगा होगा जब वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन होगी जो लोहे को जंग में बदल सकी। बेशक वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद थी, पर अभी भी जीवन समंदर की गहराइयों में छिपा हुआ था। सूरज की घातक रेडिएशन उन जीवों के लिए जानलेवा हो सकती थी जो समंदर से बाहर आने की हिम्मत करते। तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी की सुरक्षा ना के बराबर थी। अगर धरती का आकार इस सेब जितना है तो उस समय की सुरक्षात्मक परत इस सेब के छिलके से भी पतली थी। खुशकिस्मती से अब ओजोन लेयर है जो कवच की तरह धरती को सूरज की घातक रेडिएशन से बचा रही है। जब तक वायुमंडल में ओजोन लेयर की बनावट नहीं हुई थी, तब तक धरती की सतह पर जीवन के पनपने की संभावना नहीं थी, क्योंकि रेडिएशन की वजह से वातावरण बेहद घातक था। पर जब कवच के रूप में ओजोन लेयर उभरी तो जीवन ने समंदर से जमीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर धरती को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, पर इसके अलावा धरती के पास एक अदृश्य ढाल भी है जो उसे आसमान में छिपे हुए कुछ और खतरों से बचाती है। सौर तूफान और हवाओं की जबरदस्त वेव्स धरती से टकराकर चार्ज्ड पार्टिकल्स की बौछार करती हैं। ये बौछार जीवों में कैंसर जैसे रोग पैदा कर सकती है। किसी विशाल बार मैग्नेट की तरह धरती का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जो उसके ध्रुवों से फैलकर छतरी जैसा काम करता है। वो धरती पर आने वाली घातक बौछारों को वापस लौटा देता है। सौर हवाएं हर वक्त चलती रहती हैं, पर धरती का सुरक्षा कवच हमें उसके असर से बचाता है। अगर ये कवच ना होता तो सौर हवाएं धरती के वातावरण को छलनी कर देती। वो उसे बेहद हल्का करके उसका वजूद मिटा देती। इसका असर धरती के सभी जीवों पर पड़ता। अगर धरती की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सौर तूफान और सौर हवाओं के पार्टिकल्स धरती के सतह पर आसानी से पहुंच जाते और हम घातक रेडिएशन के शिकार हो जाते। धरती के चुंबकीय क्षेत्र और ओजोन लेयर पृथ्वी पर होने वाली पांचवी भाग्यशाली घटना थी। पर विकास का सफर हमेशा आसान नहीं होता। देखा जाए तो जीवन की कहानी मृत्यु की कहानी भी है। 15 करोड़ साल तक धरती पर डायनासोर का राज था, फिर अचानक उनकी हुकूमत खत्म हो गई। एक बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट धरती से अटक राया। यह घटना मेक्सिको के तट के पास हुई थी। हालांकि धरती से टकराने वाली इस चट्टान की चौड़ाई सिर्फ 10 किलोमीटर के आसपास थी, पर इस घटना से पूरी दुनिया में तबाही मच गई। इस टकराव की वजह से चारों ओर धूल छा गई जिसने सूरज को छिपा दिया और दुनिया भर में सर्दियां छा गई। इसके अलावा पूरी दुनिया में जगह जगह आग लग गई और टाइडल वेव्स उठे और एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा शुरू हो गई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि चट्टानों में छिपी कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज हो गई होगी और बाद में पानी के साथ मिलकर उसने एसिड रेन का रूप ले लिया होगा। महाप्रलय मचाने वाले इस टकराव के बाद पृथ्वी पर नर्क जैसे हालात थे। तो 6.5 करोड़ साल पहले धरती बहुत बुरे हाल में थी। पर ये महाप्रलय वो छठी भाग्यशाली घटना थी जिससे उस धरती की रचना होगी जिस पर मानव जाति का राज होगा। डायनासोर्स का राज खत्म होते ही प्राणियों के एक नए समूह को अपना जोर दिखाने का मौका मिला। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। अगर डायनासोर्स का खात्मा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये जीव छछुंदर से भी छोटे थे। आगे चलकर इन जीवों की प्रजाति विकसित हुई और इसने हजारों तरह के स्तनधारियों का रूप ले लिया जिसमें इंसान भी शामिल थे जो एक दिन इस ग्रह पर राज करेंगे। इंसान को धरती पर बसे करीब 2 लाख साल हो चुके हैं। जिन भाग्यशाली घटनाओं का सिलसिला हमें यहां तक ले आया
जरूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही कुछ हो। आखिर मानव जाति की हुकूमत कब तक चलेगी? क्या मानव जाति के साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है जैसा डायनासोर के साथ हुआ? इंसान बाकी प्रजातियों से अलग है। वो सिर्फ ऐसे ग्रह पर विकसित हो सकता है जहां पर हालात एकदम सही हों, जहां का तापमान पानी को तरल बनाए रखे, जहां एक बड़ा चंद्रमा ग्रह की ऑर्बिट को स्थिर रखे और जहां का सुरक्षा कवच उसे घातक रेडिएशन से बचाए रखे। पर जिन हालात की वजह से मानव जाति पनप सकी, क्या वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम खुद को तबाह कर सकते हैं। ये परमाणु संबंधी तबाही हो सकती है, या फिर ये कोई जैविक या रासायनिक युद्ध हो सकता है, या फिर कोई ऐसा फ्लू या प्लेग हो सकता है जिससे धरती पर फैलने से रोकना शायद इतना आसान ना हो, जिसके खिलाफ मानव जाति कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती। अगर मानव जाति ने अपने अस्तित्व के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा किया है तो वो है जरूरत से ज्यादा आबादी। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धरती पर मानव जाति जिंदा ही नहीं रह पाएगी। अगर इंसान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना भी मारे तब भी उसका विनाश निश्चित है। ऐसी कई कुदरती घटनाएं मुमकिन हैं जिनके कारण ज्यादातर प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जबरदस्त ज्वालामुखी फूटने से ऐसा संभव है कि सूरज की रोशनी धरती के वातावरण में घुस ही ना पाए, जिससे पूरी धरती का तापमान बेहद कम हो जाए और हम आइस एज में पहुंच जाए। हमारी धरती पर एस्टेरॉयड या कॉमेट से टकराव होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर ऐसा हुआ तो जीवों की ज्यादातर प्रजातियां मिट जाएंगी। और अगर इस एस्टेरॉयड या कॉमेट की चौड़ाई 16 किलोमीटर या उससे ज्यादा हुई तो धरती पर तबाही का बहुत जबरदस्त सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारी धूल हमारे वायुमंडल में चारों ओर फैल जाएगी और सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी, जिससे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। पहले शाकाहारी जीव दम तोड़ देंगे, फिर मांसाहारी जीव खत्म होंगे और बाद में ज्यादातर जीवन भी। इसके अलावा इस टकराव से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर वापस धरती पर एसिड रेन के रूप में बरसेगी। इस एसिड रेन से खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के सबसे निचले स्तर पर रहने वाली सामग्री जैसे फसल और कुछ समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे और आखिर में धरती से लगभग 75% जीवों की आबादी खत्म हो जाएगी। धूल और राख के बादल बनेंगे और कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, पर उनके असर से मौसम के पैटर्न कई दशकों के लिए बिगड़ जाएंगे। जुलाई 1994 में एक विशाल कॉमेट का टकराव जुपिटर से हुआ। जुपिटर से टकराने वाला यह कॉमेट करीब 5 किलोमीटर लंबा था। इसे नाम दिया गया शूमेकर लेवी 9। इस जबरदस्त टकराव के असर को 21 अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया, पर इनमें सबसे बड़ा अजूबा था एक डार्क होल जो करीब 12,000 किलोमीटर गहरा था, लगभग धरती की चौड़ाई जितना। इस टकराव से करीब 60 लाख मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा पैदा हुई, जो कि धरती के तमाम परमाणु बमों से पैदा होने वाली ऊर्जा से 600 गुणा ज्यादा है। शूमेकर लेवी 9 के असर को जुपिटर जैसा विशाल ग्रह बर्दाश्त कर सकता था, पर अगर इतना बड़ा कॉमेट हमारे ग्रह से टकराता तो धरती पर अधिकतर जीवन तबाह हो जाता। किसी बड़े एस्टेरॉयड या कॉमेट के धरती से फिर से टकराने की पूरी संभावना है। ऐसा टकराव फिर जरूर होगा। सवाल तो ये है कि ये कब होगा और हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। खुशकिस्मती से अगर एस्ट्रोनॉमर आसमान की जांच करे तो धरती से टकराने वाले इन ज्यादातर एस्टेरॉयड या कॉमेट का पता लगाया जा सकता है और फिर इसके बाद अप्लाइड फिजिसिस्ट और इंजीनियर इन घातक चट्टानों को उनके रास्ते से समय रहते हटा सकते हैं और मानव जाति को बचा सकते हैं। इस तबाही से बचने का रास्ता है वक्त से पहले उनका पता लगाना। अगर हमें दशकों पहले इस खतरे की चेतावनी मिल जाए तो हम उसके खिलाफ एक ठोस योजना बना सकते हैं, ताकि हम उस घातक चट्टान के रास्ते को हल्का सा बदल सकें, जिससे वो हम तक पहुंचने में कामयाब ना हो पाए। अगर सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों या सिर्फ साल भर पहले चेतावनी मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चेतावनी हमें दशकों पहले मिलनी चाहिए। लेकिन धरती पर सिर्फ एस्टेरॉयड का खतरा नहीं मंडरा रहा, कुछ और भी खतरे हैं जो धरती से जीवन का नामो निशान मिटा सकते हैं। उनमें से खतरा सूरज से हो सकता है।
ये मानना मुश्किल है, पर असल में अंतरिक्ष में भी मौसम होते हैं। इसे हम स्पेस वेदर कहते हैं। ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ धरती के मौसम की हदें खत्म होती हैं। ज्यादातर जिस स्पेस वेदर की हम चिंता करते हैं वो सूरज से आने वाले सौर तूफान और सोलार फ्लेयर्स हैं। हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, पर बड़ा सौर तूफान इस कवच को भेदने की ताकत रखता है। अगर ऐसा कोई तूफान धरती की ओर रुख करता है तो उससे धरती पर बड़े पैमाने पर बर्बादी होगी, यानी कि उसके आने से चारों तरफ बिजली का प्रवाह होगा, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और हमारे पावर ग्रिड खाक हो जाएंगे। बिना बिजली के मानव सभ्यता का बुनियादी ढांचा चरमरा जाएगा और चारों ओर महामारी, अकाल और सामाजिक अराजकता फैल जाएगी। इससे मानव जाति का सफाया तो नहीं होगा, पर इससे दुनिया में भारी तबाही जरूर मचेगी। पर खतरे सूरज तक सीमित नहीं है, उसके परे भी है। कुदरत के कहर का एक ऐसा रूप है सुपरनोवा। यह किसी तारे के भयंकर विस्फोट से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा है। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में बड़े पैमाने पर लुप्त होने की घटना के पीछे क्या कोई सुपरनोवा था? और जवाब यह है कि ऐसा होने के 50-50 चांसेस हैं। अगर 10 से 20 लाइट ईयर के फासले पर कोई तारा फटता है तो उसकी वजह से धरती पर बड़े पैमाने पर जीवन तबाह हो जाएगा, क्योंकि ऐसे विस्फोट से ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगी और सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से धरती पर मौत का तांडव मच जाएगा। तो 10 लाइट ईयर के फासले पर तारे का फटना यानी बुरी खबर। पिछले कुछ सालों में कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि धरती को इससे भी बड़ा खतरा है, गामा रे बर्स्ट से। गामा रे बर्स्ट यानी तेज ऊर्जा वाले पार्टिकल्स के बेहद जबरदस्त एमिशन, जो तब होते हैं जब कोई विशाल तारा फटकर ब्लैक होल का रूप ले लेता है। पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा के सबसे जबरदस्त विस्फोट हैं। ये किसी विशाल सुपरनोवा से हजारों गुणा बड़े होते हैं। गामा रे बर्स्ट किसी भी तारे का बहुत ही जबरदस्त विस्फोट है। इससे पैदा होने वाली ऊर्जा विपरीत दिशा में जाने वाले दो तंग बीमों ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाती है। तो अगर धरती इनमें से किसी भी बीम के रास्ते में आ जाती है तो बड़े पैमाने पर जीवन तबाह हो सकता है, चाहे गामा रे बर्स्ट हजारों लाइट ईयर दूर ही क्यों न हो। इस तरह से गामा रे बर्स्ट किसी आम तारे के फटने से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस तारे को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 से 20 लाइट ईयर के फासले पर होना चाहिए, जबकि गामा रे बर्स्ट हजारों लाइट ईयर दूर होने के बावजूद कहर ढा सकता है। अगर धरती गामा रे बर्स्ट के किसी बीम के रास्ते में आ जाती है तो उसमें मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल्स यानी गामा रेज हमारे वायुमंडल के ओजोन लेयर को मिटा देंगे, जिससे सूरज से आने वाला रेडिएशन हमारे वायुमंडल में दाखिल हो जाएगा और धरती पर जीवन तबाह कर देगा। गामा रे बर्स्ट का धरती के जीवन पर आखिर क्या असर होगा? इसकी मिसाल हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास में मिल सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती में विशाल पैमाने पर लुप्त होने की घटनाओं में सबसे बड़ी घटना के पीछे गामा रे बर्स्ट थी। इस घटना की वजह से वो गामा रे बर्स्ट हो सकता है जो धरती से करीब 6000 लाइट ईयर के फासले पर हुआ था। 44 करोड़ साल पहले होने वाली इस घटना को ऑर्डोविशन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन कहते हैं। उस समय धरती पर जीवन समुद्र और महासागरों तक सीमित था। तब मॉलस्क, शेलफिश, कोरल और ट्राइलोबाइट जैसे जीवों का बोलबाला था। सिर्फ 10 सेकंड तक चलने वाली गामा रे बर्स्ट से धरती की 50वीं सदी ओजोन लेयर तबाह हो गई, जिसके कारण सतह पर मौजूद सभी पेड़ पौधे और जीव जानलेवा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के शिकार हुए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस घटना की वजह से जीवन की सभी प्रजातियों में से 60वीं सदी से ज्यादा का नामो निशान मिट गया होगा। अगर आज के दौर में ऐसी घटना होती है तो दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। जो भी गामा रेस के सीधे संपर्क में आएगा उसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धरती की ओजोन लेयर के तबाह होने से दुनिया की फूड चेन, उसकी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी और आखिरकार गामा रे बर्स्ट के कारण वातावरण में ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे दुनिया भर में परमाणु सर्दी छा जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और भूखमरी फैल जाएगी।
अच्छी बात यह है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट सिर्फ उसको ही तबाह कर सकता है जो उसके तंग बीम्स के रास्ते में आता है, और अगर धरती उस बीम की किसी भी दिशा में नहीं आती तो हमें कुछ नहीं होगा। धरती का किसी ऐसी बीम की चपेट में आने का खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए लगता नहीं कि मानव जाति गामा रे बर्स्ट के कारण धरती से लुप्त होगी। हमारे पास फिक्र करने के लिए उससे भी बड़े खतरे हैं। अगर मानव जाति लुप्त भी हो जाती है तब भी धरती पर जीवन चलता रहेगा। अगर बड़े पैमाने पर लुप्त होने की घटना होती भी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि धरती खत्म हो जाएगी। उस घटना से पहले जिस जीव का वर्चस्व था सिर्फ वो बदल जाएगा, पर धरती का जीवन चलता रहेगा। धरती पर इंसान सिर्फ 2 लाख साल से हैं, जबकि धरती पर जीवन लगभग 3.5 अरब साल से है। बेशक आज धरती पर इंसान का ही राज है, पर धरती के ज्यादातर इतिहास में ऐसा नहीं था। जीवन को धरती से पूरी तरह से मिटाना बेहद मुश्किल है। जीवन बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लेता है, इसीलिए धरती पर जीवन चलता रहेगा। इंसान और जानी पहचानी प्रजातियों के मिटने के बाद भी जीवन चलता रहेगा। पर क्या कुछ ऐसा होता है जो ग्रहों को निकल जाता है, अंधेरे में इंतजार में बैठा है? क्या कुछ ऐसा जो धरती का नामो निशान मिटा सकता है? हालांकि वो बहुत विचित्र है, उनमें साइंस फिक्शन फिल्म वाली कुछ बात है, पर ब्लैक होल्स एक हकीकत है, और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े ब्लैक होल किसी ग्रह को भी निकल सकते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी बनावट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त होता है कि प्रकाश भी उसके खिंचाव से नहीं बच सकता। ब्लैक होल का केंद्र इतना छोटा और इतना घना होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई ग्रह हो या फिर कोई और चीज, जो भी उसके पास जाता है ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है और वो उसमें गायब हो जाता है। अगर कहीं से कोई ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर जाए तो ग्रेविटी के उसके जबरदस्त पर तबाही मच जाएगी, भयानक भूकंप आने लगेंगे और बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटने लगेंगे। जब कोई ग्रह किसी ब्लैक होल में दाखिल होता है तो वो ग्रह नूडल्स की तरह लंबाई में खिंचने लगता है, फिर उसके बेहद लंबे और पतले रेशे बन जाते हैं जो अंत में बेहद छोटे पॉइंट में सिकुड़ जाते हैं। तो अगर हमारी धरती या सूरज को कोई ब्लैक होल निगल लेता है तो वो सच में बहुत बुरी खबर होगी। पर ब्लैक होल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, वो बहुत दुर्लभ होते हैं, तो इसलिए हमारे सौर मंडल में किसी ब्लैक होल के आने की संभावना बहुत कम है। एक और खतरा है जो धरती को तबाह कर सकता है, वैज्ञानिकों ने उसे अजीब नाम दिया है, रोग प्लैनेट। अंतरिक्ष में भटकते इन ग्रहों की खोज 90 के दशक में हुई, जब एस्ट्रोनॉमर्स को उनके होने के पुख्ता सबूत मिलने शुरू हुए। रोग प्लैनेट वो खास तरह का ग्रह है जो किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम से इजेक्ट होकर आया है, शायद ऐसे किसी प्लैनेटरी सिस्टम से जो अभी बन रहा है। वहाँ के ग्रहों के ऑर्बिट ठीक से तय भी नहीं हुए, इस वजह से ग्रह टकरा जाते हैं और ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट इफेक्ट की वजह से वो बाहर धकेल दिए जाते हैं। रोग प्लैनेट यतीमों की तरह अंतरिक्ष में अकेले भटकते रहते हैं, वो किसी तारे से नहीं बंधे हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ और तारे हैं जिनके इर्द गिर्द ग्रह चक्कर काट रहे हैं, और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो किसी तारे से नहीं बंधे हैं। शायद वो अपनी ऑर्बिट से छूट निकले थे और अब वो बिना किसी रोक टोक के अंतरिक्ष में अकेले ही घूम रहे हैं। हमें लगता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में चारों ओर अरबों रोग प्लैनेट्स घूम रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनमें से एक रोग प्लैनेट हमारे सौर मंडल में घूमता हुआ पहुंच सकता है और उसका पृथ्वी से टकराव संभव है, और अगर ऐसा होता है तो उससे हमारी धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर कोई रोग प्लैनेट यहाँ आ जाता है तो वो ग्रहों को ऑर्बिट से भटका सकता है, वो पृथ्वी को सूरज में ढकेल सकता है, या फिर वो उसे सौर मंडल से भी बाहर कर सकता है। मिल्की वे गैलेक्सी में अंतरिक्ष लगभग खाली है। सूरज जो धरती के आकार से 100 गुना बड़ा है, अगर उसे इस फुल स्टॉप जितना छोटा समझा जाए तो फिर सबसे करीब का तारा लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा, और किसी रोग प्लैनेट की दूरी उससे भी कहीं ज्यादा होगी। किसी रोग प्लैनेट का हमारे सौर मंडल में से गुजरना नामुमकिन नहीं है।
पर ऐसा होने की भावना बहुत कम है। पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स को रोग स्टार्स के होने के सबूत मिले हैं। ये तारे अंतरिक्ष में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गैलेक्सी की ग्रेविटी का उन पर कोई असर नहीं होता। अगर हमारा टकराव किसी रोग स्टार से होता है तो उससे हमारा पूरा सौर मंडल तबाह हो सकता है। खुशकिस्मती जो तेज रफ्तार वाले रोग स्टार अब तक खोजे गए हैं उनमें से सबसे करीब धरती से 42,000 लाइट ईयर्स दूर है। पर धरती का सामना एस्ट्रॉइड, गैमा रे बर्स्ट, रोग प्लैनेट या रोग स्टार से टल भी गया तब भी ये तो तय है कि एक दिन ये धरती खत्म जरूर होगी। मान लेते हैं कि हम एस्टेरॉइड्स के टकराव को रोक सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को टाल सकते हैं, पर इतना जान लीजिए कि एक बात है जिसकी हमें फिक्र करनी पड़ेगी, वो ये कि 1 या 2 अरब साल के अंदर धरती के महासागर इवेपोरेट होकर सूख जाए, क्योंकि सूरज धीरे धीरे तेज हो जाएगा, उसकी गर्मी बढ़ जाएगी, इससे पृथ्वी भी गर्म हो जाएगी और पृथ्वी की सतह पर पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सुदूर भविष्य में सूरज का भी अंत होगा, हमारा सौर मंडल और धरती खत्म हो जाएंगे। उन आखिरी लम्हों का वो अद्भुत नजारा कैसा होगा? धरती मौत को गले कैसे लगाएगी, धमाके के साथ या फिर खामोशी से? पृथ्वी इसलिए इतनी अनोखी है क्योंकि इस ग्रह में जीवन पनप सकता है। कई मायनों में हमारा पूरा ग्रह एक जीवित चीज की तरह है, पर जिस चीज में जीवन है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। पृथ्वी उन विनाशकारी घटनाओं से बच सकती है जो चारों ओर तबाही मचाने की ताकत रखती हैं, पर अंत में उसे सूरज और तमाम सौर मंडल के साथ साथ मिट जाना होगा। सूरज को अस्तित्व में आए करीब 4.5 अरब साल हो चुके हैं। वो अपने परमाणु ईंधन का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। ये कह सकते हैं कि सूरज एक अधेड़ उम्र वाला तारा है जो अपने सामान्य स्थिर जीवन की आधी उम्र जी चुका है। लगभग 5 अरब साल के अंदर सूरज एक लाल रेड जायंट का रूप ले लेगा। उसका तेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी चमक बढ़ेगी, आकार भी बढ़ेगा और ऐसा होने के बाद वो सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद वीनस और शायद उसके बाद धरती को भी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आखिर में धरती घूमते घूमते उबलते हुए सूरज से जा टकराएगी और उसमें समाकर खाक हो जाएगी। अगर 1 फुट 16 लाख किलोमीटर जितना हो तो पृथ्वी इस बैरिंग बॉल जितनी होगी और सूरज इस फुटबॉल जितना, और फिर सूरज धरती से 93 फुट दूर होगा जितना वो सन डायल है। जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो एक रेड जायंट का रूप लेकर फैलना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उसकी सतह धरती के ऑर्बिट तक पहुँच जाएगी। यानी की करीब 93 फुट दूर जब सूरज उस रेड जायंट का रूप ले लेगा तब वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि हो सकता है कि वो धरती को ही निकल जाए और फिर धरती का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज से लगभग 5 से 7 अरब सालों में सूरज बहुत ज्यादा बदल जाएगा, तब धरती के सतह पर जीवन होने की कोई संभावना नहीं बचे। अगर हम मान भी लें कि सूरज धरती को नहीं निगलता तो ये तो निश्चित है कि धरती का तापमान बर्दाश्त से बाहर होगा, क्योंकि उस समय का सूरज आज के सूरज से लगभग 1000 गुना ज्यादा तेज होगा। इससे पहले कि सूरज एक रेड जायंट बने, उम्मीद है कि मानव जाति किसी दूसरे प्लेनेटरी सिस्टम तक पहुंचने की तैयारी कर लेगी। वो किसी रहने लायक ग्रह में जाकर बस जाएगी, कोई ऐसी जगह जिसे नया घर कहा जा सके। इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है कि धरती के मिटने का सिलसिला कैसा होगा। हो सकता है सूरज धरती को ना निकले, शायद धरती ही उस विशाल रेड जायंट से बहुत दूर चली जाए। जब सूरज का आखिरी समय आएगा तो वो रेड जायंट बन जाएगा, तब उसका मास लगातार घट रहा होगा, वो अपने विशालकाय रूप को धीरे धीरे खो रहा होगा। उस वजह से धरती धीरे धीरे सूरज से दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो जाएगा। एक और संभावना है कि कुछ ऐसे असर पैदा हों जिनसे धरती सूरज की तरफ जाने लगे, वो भी तेजी से घूमते हुए। मिसाल के तौर पर अगर वो सूरज के वायुमंडल में दाखिल हो जाती है तो फ्रिक्शनल ड्रैग की वजह से वो गोल गोल घूमती हुई उसमें समा जाएगी, पर कौन सा असर हावी होगा ये कहना मुश्किल है।
शायद धरती सूरज से दूर चली जाए या ये हो सकता है कि सूरज धरती को निगल ले। पर जो भी होगा ये निश्चित है कि धरती के साथ आखिर में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे सूरज का ईंधन खत्म होने लगता है उसका कोर लगातार ठंडा होकर सिकुड़ने लगता है, तब उसका डायमीटर कुछ हजार किलोमीटर का ही रह जाता है। अब वो व्हाइट ड्वार्फ बन गया है। व्हाइट ड्वार्फ बन जाने के बाद सूरज का आकार बहुत ही छोटा होगा, लगभग पृथ्वी जितना, पर तुलना में उसका मास बहुत ही ज्यादा होगा, धरती से लगभग 2 लाख गुना ज्यादा। मतलब व्हाइट ड्वार्फ बहुत ज्यादा घना होगा, उसके जरा से टुकड़े का वजन कई टन होगा। सिर्फ सूरज का गर्म कोर ही बाकी बचेगा और पृथ्वी का ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। बुरी तरह से जलने के बाद अब पृथ्वी बस पत्थर का एक टुकड़ा ही होगी। और इस तरह आखिर में धरती उन सभी भाग्यशाली घटनाओं का इस्तेमाल कर चुकी होगी। हालांकि धरती का भविष्य अंधकार में लग रहा हो, पर ऐसा होने में अभी बहुत बहुत देर है। धरती का अस्तित्व अरबों सालों से बना हुआ है और उसका भविष्य आने वाले अरबों सालों तक बना रहेगा। हमें धरती पर आए 5 लाख साल भी नहीं हुए। इस ग्रह के लंबे इतिहास में हमारी मौजूदगी बस पलक झपकने जितनी देर की है। तो ये ध्यान रखते हुए ही हमें सोचना चाहिए कि धरती के लिए हमारा फर्ज क्या है, हम इससे क्या सीख सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं।